नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और सेंट्रल रेलवे द्वारा आयोजित प्री क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर एलडीसी ग्रुप बी एईएन 30% सिविल इंजीनियरिंग का पेपर सॉल्व करेंगे, जो 26 फरवरी 2022 को आयोजित किया गया था। इसे अपने साथ शेयर किया है पवन कुमार जी ने, तो उनका धन्यवाद करते हैं। और इंस्ट्रक्शन आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं और उसके बाद पार्ट सी को सॉल्व करेंगे, जो एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड है। और यहाँ पे देखिए पार्ट सी है, जो 81 नंबर क्वेश्चन से लेके 110 तक के बीच को सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो है पार्ट वी को सॉल्व करेंगे, ठीक है। टेक्निकल पार्ट क्वेश्चन नंबर 140 के बीच का है, जो पार्ट ए में है, वो सबसे लास्ट में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए इंस्ट्रक्शन को देखते हैं और फिर क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। पार्ट सी के, इस पेपर के पार्ट सी पे हम आ गए हैं और क्वेश्चन नंबर 81 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, मिनिमम नोटिस पीरियड फॉर इनवाइटिंग ओपन टेंडर्स फॉर वर्क्स कॉस्टिंग अप टू ₹2 करोड़, ठीक है। 2 करोड़ की लागत के कार्य की निविदा के लिए नोटिस का न्यूनतम समय है। तो ये एक्चुअली क्या है कि अभी कम कर दिया गया है, पहले ये 21 दिन हुआ करता था, लेकिन कुछ टर्म एंड कंडीशन के साथ इसे कर दिया गया है। तो फिलहाल जो इसमें टर्म एंड कंडीशन की कोई बात नहीं कही गई है, तो कम से कम 21 दिन होने चाहिए, तो इस हिसाब से ये होगा। वैसे अगर टर्म और कंडीशन हो तो यहाँ पे 14 डेज हो जाएगा, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। इसके लिए एक लेटर देख सकते हैं, 2018/ट्रांससेल ऑब्लिक एसएनटी ऑब्लिक एनआईटी ऑब्लिक पीरियड। तो ट्रांस सेल ने, ट्रांसफॉर्मेशन सेल ने जो ये लेटर जारी किया है वो 26/7/2018 का है, जिसके अंदर कम से कम 21 दिन का होना चाहिए। लेकिन उन्होंने बताया है कि जो वैल्यू है, टेंडर वैल्यू है, वो 2 करोड़ से कुल शामिल करते हुए अगर कम है, तो इसके लिए 14 दिन की को किया जा सकता है विथ फाइनेंस से कंसल्ट करके, ठीक है। तो ये इसके अंदर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 है, पीवीसी इज एप्लीकेबल फॉर टेंडर कॉस्टिंग मोर देन डैश करोड़, खाली जगह करोड़ से अधिक लागत की निविदा के लिए पीवीसी लागू है। यानी कि पीवीसी जो होता है प्राइस वेरिएशन क्लोज, ठीक है। तो ये 5 करोड़ से अधिक के लागत के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 83, प्लान हेड 31 डिनोट्स। तो प्लान हेड 31 जो है वो ट्रैक रिन्यूअल के लिए किया जाता है, ट्रैक का जो नवीनीकरण किया जाता है ना, उसके लिए प्लान हेड 31 का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 84 है, प्लान हेड 51 डिनोट्स। प्लान हेड 51 क्या दर्शाता है? तो ये क्या है कि स्टाफ क्वार्टर्स के लिए दर्शाता है, स्टाफ एमिनिटीज जो होते हैं उनके लिए दर्शाता है। तो हमारा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85 है, मैटरनिटी लीव एडमिसेबल इन ए फीमेल टू ए फीमेल रेलवे कंप्लाई इज डैश डेज। तो 180 डेज मिलता है, आपको भी पता है कितनी बार हमने इसे सॉल्व किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 है, पावर फॉर अपॉइंटमेंट टू ग्रुप सी ऑन कंपोजिट ग्राउंड लाइज विथ। तो जीएम है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कंपोसिनेट ग्राउंड के लिए एक ट्रिक बताया है आपको, कि अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया कि हाँ इसका क्या आंसर होगा, आप जीएम मारें तो 90% चांसेस हैं कि आपको सही होंगे, ठीक है। चलिए ये मेरा खुद का है, ऐसे कभी कभी गलती हो जाए तो ऐसा नहीं कि सर ने कहा था इसलिए ऐसा, ठीक है, लेकिन ये ज़्यादातर सही होगा। चलिए 87 का है, क्वेश्चन नंबर 87 कहता है, इन डीआर केस टाइम लिमिट विथ इन विच द अपील कैन बी मेड टू अपीलेंट अथॉरिटी इज डैश डेज। अनुशासन और अपील नियम के मामले में सक्षम अधिकारी को निवेदन करने की समय सीमा 45 दिन है, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो ये इसका आंसर 45 डेज होंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 88 को देखते हैं, अंडर आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट
रेगुलेशन ए रेलवे स्टाफ वर्किंग एज ए एस एस सी पी वे, ठीक है पीडब्ल्यू लिखा है पी वे, इज कैटेगराइज एज ए एक्सक्लूडेड, क्योंकि जो सुपरवाइजरी लेवल पे होते हैं वो एक्सक्लूडेड के अंदर आते हैं, ठीक है। रोजगार विनियमन के घंटे एचओआर के अनुसार वरिष्ठ खंड अभियंता जो रेल पथ का कार्य करने वाले कर्मचारियों का वर्गीकरण एक्सक्लूड में किया जाता है, एक्सक्लूडेड में किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 है, स्टैंडर्ड फॉर्म डैश इज यूज टू रिवोक एंड इम्प्लाई फॉर सस्पेंशन। देखिए मैंने पहले भी कहा है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं जो नए व्यूअर हैं उनके लिए, कि स्टैंडर्ड फॉर्म आपके जबान पे होना चाहिए, जैसे एस एफ वन इज ए ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन, एस एफ टू इज ए ऑर्डर ऑफ ड्यू सस्पेंशन, एस एफ थ्री इज ए सर्टिफिकेट टू बी फर्निश्ड बाई सस्पेंडेड रेलवे एम्प्लाई, एस एफ फोर इज ए रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन। तो हमारा एस एफ फोर यहाँ पे सही होगा, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। एस एफ फाइव इज ए चार्जशीट फॉर मेजर पेनल्टी, ठीक है, ये यहाँ पे हमने सब फॉर्म को देख लिया है, इसी तरह जितने भी फॉर्म होते हैं उनको आपको याद करना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ चलते हैं, और 90 कहता है हाउ मेनी सेट्स ऑफ प्रिविलेज पास आर एडमिसेबल टू ए गजेटेड ऑफिसर आफ्टर रिटायरमेंट। तो यहाँ पे थ्री हो जाएंगे, क्योंकि जब जॉब में होते हैं तो उनको कितने मिलते हैं, सिक्स, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 को देखते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइनेंस अपग्रेडेशन ग्रांटेड अंडर एमएससीपी आर, तो थ्री है, एमएससीपी के अंतर्गत तीन बार ही वित्तीय उन्नयन का लाभ मिलता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 है, हाउ मच मैक्सिमम लीव ऑन एवरेज पे कैन बी सेंक्शन एट टाइम ऑफ टाइम इन वन स्पेल, एक बार में अधिकतम कितने दिन की औसत वेतन पर छुट्टी मंजूर की जा सकती है, तो ये 6 महीने से अधिक नहीं की जा सकती है, डेट मीन्स 180 डेज, ठीक है, यहाँ पे बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 93, व्हाट इज द एज रिलैक्सेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर एससी एंड एसटी कैंडिडेट्स, ये 5 साल का है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को सीधी भर्ती में 5 साल की छूट दी जाती है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 है, एक्सपेंडिचर ऑफ पीवे मेंटेनेंस इज बुक्ड अंडर माइनर हेड, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा बी 200 होगा, ठीक है, बी का बी 200, मेंटेनेंस ऑफ ए परमानेंट वे का जो माइनर बुक है वो 200 है। एक्सपेंडिचर, क्वेश्चन नंबर 95, एक्सपेंडिचर और मेंटेनेंस ऑफ सर्विस बिल्डिंग इज बुक्ड अंडर माइनर हेड, तो इसका आंसर बी 400 होगा, ये दैट मीन्स ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है, क्योंकि मेंटेनेंस ऑफ ए सर्विस बिल्डिंग और अदर देन द स्टाफ क्वार्टर्स एंड वेलफेयर बिल्डिंग जो है वो बी 400 में आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द पर्पस फॉर विच इट इज एक्वायर्ड द कॉस्ट ऑफ लैंड इज बुक्ड टू, तो यहाँ पे जो है ये यहाँ पे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कैपिटल होगा, ठीक है, क्योंकि इसके आप डेफिनेशन को देखेंगे तो इसके अंदर ये आपको समझ में आएगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 97 पे आ गए हैं, अंडर विच रूल डिसिप्लिनरी अथॉरिटी डज नॉट इश्यू ए फॉर्मल चार्जशीट फॉर इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी, किस नियम के तहत अनुशासन अधिकारी बिना मानक फॉर्म दिए दंड आरोपित करता है, तो 14(2) के तहत ऐसा करता है, आपको पता ही है रूल नंबर 13 इज कॉमन प्रोसीडिंग्स, ठीक है, तो 14(2) के तहत ऐसा किया जाता है और कई बार किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 98 को देखते हैं, द टाइम लिमिट फॉर सबमिटिंग द क्लेम ऑफ ट्रेवलिंग अलाउंस इज डैश डेज सक्सेडिंग द डेट ऑफ द कंप्लीशन ऑफ जर्नी, यात्रा समाप्ति के बाद यात्रा भत्ता जमा करने की अवधि 60 दिन है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 है, टीए एडमिसेबल टू एन एम्प्लॉय हु हैज बीन आउट ऑफ हेडक्वार्टर ड्यूटी फ्रॉम 2 PM टू 7 AM नेक्स्ट डे इन डैश टाइम्स ऑफ वन डे टीए,
किसी कर्मचारी को मुख्यालय से 2 बजे अपराह्न से अगले दिन सुबह 7 बजे तक बाहर रहने पर यात्रा भत्ते की पात्रता 1 दिन की यात्रा भत्ते की डैश गुना होगी। अब 12 घंटे से बाहर मुख्यालय से बाहर रहने पे वो 100% का अधिकारी है। ठीक है, अब आप बताइए कि इसमें क्या आंसर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे बताया गया है कि इसके अंदर ऑप्शन जो है वो करेक्ट किए गए हैं 1.4। ठीक है, अब ये पता नहीं कि इनमें से किसके लिए 1.4 का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो ये होल्ड पे रखते हैं क्वेश्चन को, और आपके कमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी तो कमेंट बॉक्स चालू कर दूंगा मैं यूट्यूब पे, तो वहाँ पे आप जाके कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 है, व्हाट इज द मिनिमम सर्विस इन ईयर और ईयर फॉर अवेलिंग एचबीए एज पर आईआरएम। तो आईआरएम वॉल्यूम 1 के अनुसार जो है वो 5 साल की हमारी सर्विस होनी चाहिए, ऐसा रूल है। ठीक है, बाकी कहीं कहीं कुछ कुछ लोग कुछ भी बताते हैं, कोई मुझे लिख के भेजता है 2 ईयर्स है, तो वो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। कोई बोलता है 10 ईयर्स है, कोई बोलता है 8 ईयर्स है, व्हाट्सएप बहुत सारे आते हैं, तो कई बार मैं भी पढ़ते पढ़ते कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, कुछ लोग और बता देते हैं तो वो माइंड में चलता है, तो क्वेश्चन सॉल्व होते हुए वो निकल जाता है। ठीक है, तो ऐसा होता है कई दफ़ा, तो उसको ध्यान नहीं देना है। 1-2 क्वेश्चन हो सकते हैं कि रॉन्ग हो, उनको इंटरप्रेट करेंगे अगली वीडियोज़ के अंदर, किसी में इंक्लूड कर लूँगा जब भी मुझे याद रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे व्हाट इज़ द मिनिमम सर्विस इन ईयर्स फॉर अवेलिंग एच बी एज पर आई आर एम इज 5 ईयर्स, ये क्लियर है। ठीक है, चलिए हम बहुत जल्दी से कंक्लूड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 101 है, सिलेक्शन फॉर सिलेक्शन पोस्ट एंटीसिपेटेड वैकेंसी शुड बी टेकन अप टू 15 मंथ। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी होगा, चयन पदों के लिए 15 महीने तक की प्रत्याशित रिक्तियां लेनी चाहिए, इज दैट क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आ गए हैं 102 पे, एज पर IRPWM व्हाट इज द मेडिकल कैटेगरी फॉर गैंगमैन। तो यहाँ पे A3 है, ठीक है, ऑप्शन A3 है। यहाँ पे आपको जो वर्ड दिख रहा है IRPWM, तो ये है इंडियन रेलवे परमानेंट वे मैनुअल। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट मैनुअल है जिसको इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इस्तेमाल करता है। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि इंजीनियरिंग से रिलेटेड है इसलिए ये सवाल शायद आया है, लेकिन फिर भी आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उससे रिलेटेड उसके आसपास के जो सेक्टर हैं, जो क्षेत्र हैं, उनको आप ध्यान में रख के ही आप तैयारी करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 103 को देखते हैं, हाउ मेनी ईयर्स आफ्टर द रिटायरमेंट कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन इज रिस्टोर्ड। सेवानिवृत्ति के कितने वर्ष बाद परिवर्तित पेंशन की पूर्ण बहाली की जाती है, तो ये 15 ईयर्स है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 104 है, व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट फॉर ग्रुप डी सर्विस, तो ये 10 ईयर्स 10th पास है, समझे 10वीं पास है, और वीडो के लिए कुछ भी इस तरह की क्वालिफिकेशन रखी नहीं गई है। ग्रुप डी की सेवा में भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता 10वीं पास है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 104 पे आ गए हैं, वर्क्स प्रपोजल अंडर पैसेंजर एमिनिटीज प्लान हेड आर कोऑर्डिनेटेड बाय। तो जब भी पैसेंजर एमिनिटीज की बात होगी तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि ये कमर्शियल डिपार्टमेंट करता है। ठीक है, तो PCCM होंगे इसके सही आंसर। दूसरा, सारे प्लान हेड्स और ये सब जो करते हैं वो वर्क्स जो बना के भेजते हैं वो PCE साफ करते हैं, तो ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है। और एक और बात है कि अगर कंप्यूटराइजेशन या ट्रेनिंग से रिलेटेड होता है तो इसके अंदर PCPO जो होते हैं ना वो हेड होते हैं, PCPO। ठीक है, अब आपको ये PCPO का फुल फॉर्म बताना है ताकि लगे कि आप ही हमारे साथ इस क्वेश्चन के साथ चल रहे हैं, तो आपको कमेंट करना है सिंपल सा PCPO का फुल फॉर्म। तो PCPO कंप्यूटराइजेशन से रिलेटेड है, ठीक है, और मैंने बताया ट्रेनिंग से, HRD ट्रेनिंग जो भी होती है ना, HR ट्रेनिंग, उसके कोऑर्डिनेटर जो होते हैं वो PCPO होते हैं।
आप व्हाट्सएप भी बहुत सारे करते हैं, हर किसी का जवाब देना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों को उसके लिए रिप्लाई करने के लिए टाइम निकाला जाए, ठीक है? तो ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 106 को सॉल्व करते हैं। पेमेंट टू कॉन्ट्रेक्टर फॉर वर्क डन अंडर रेवेन्यू मेंटेनेंस आर चार्ज टू। तो इसके लिए जो सही आंसर होगा वो होगा PU28, ठीक है? ये PU28 जो है वो प्राइमरी यूनिट कहलाता है एक्चुअली, ठीक है? तो ये प्राइमरी यूनिट यूनिट कहलाता है, यही 28 ही से उनको पेमेंट किया जाता है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर को एक और देख लेते हैं। इसके अंदर जो है ना प्राइमरी यूनिट 30 भी है, जो इलेक्ट्रिक कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी होते हैं ना उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक बिल होगा, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी चार्जेस के लिए है, लेकिन इलेक्ट्रिकल बिल जो होंगे ना वो 32 से जाएंगे, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो मैंने रिपीट किया है, आप ध्यान से देखें या फिर दोबारा मैं बता, चलिए दोबारा रिपीट कर लेते हैं। जो कॉन्ट्रेक्टर के पेमेंट वर्क्स के अंदर किए जाते हैं वो 28 से किए जाते हैं, ठीक है? इसमें एक और है कि इसमें अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जैसे फ्यूल वगैरह भी होते हैं ना तो भी उनका भी इस्तेमाल किया जाता है। 32 में इलेक्ट्रिकल जो बिल होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? और 30 जो है वो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी से रिलेटेड है। तो आई होप कि मैं कुछ क्लियर कर पा रहा हूँ। चलिए जितना मुझे समझ है मैंने आपको बताने की कोशिश की है, बाकी आप खुद ही पढ़ें, और स्वाध्याय से ज्यादा बेहतर कुछ भी नहीं है, स्व अध्ययन से, सॉरी, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर हम 107 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अलाउड टू बी इंगेज एज अ डिफेंस काउंसल। निम्न में से किसको बचाव पक्ष के वकील के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है? जो लीगल प्रैक्टिशनर होते हैं ना, कानूनी जो ये करते हैं, उनका नहीं किया जाता है। तो हमारा आंसर यही होगा, ठीक है? अगर आपको पता है कि ये जो आपके 3 ऑप्शन है इनको बताना है कि ये कितने कितने केसेस को एक टाइम में हैंडल कर सकते हैं, ये आप बताइए, ठीक है? तो फिर मैं किसी वीडियो में इसको लूंगा और बताऊंगा कि इनके आगे कितने कितने एम्प्लॉय को ये कर सकते हैं, ठीक है? अगर रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉय है तो कितने डिफेंस काउंसिल के लिए नॉमिनेट हो सकता है, ट्रेड यूनियन जो ऑफिसियल होते हैं वो कितने हो सकते हैं, और इस रेलवे सर्विंग एम्प्लॉय जो होता है वो कितना कर सकता है, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 108 है। डीएफ स्टैंड फॉर, डीएफ जो है वो डेवलपमेंट फंड होता है, ठीक है? इट्स अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल रूल। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 109 है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग रेशियो इज कंसिडर बेस्ट फॉर रेलवे। निम्न में से कौन सा परिचालन अनुपात रेलवे में सबसे अच्छा माना जाता है? देखिए सिंपल भाषा में आपको मैं बताता हूँ कि अगर मुझे किसी चीज की कमाई के लिए सबसे कम पैसा खर्च करना पड़े तो वो सबसे अच्छा होगा। मान लीजिए कि रेलवे अगर 1 रुपया कमाने के लिए 85 पैसे खर्च करती है तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, ना कि 1 रुपये के लिए 1 रुपया खर्चा किया जाए, या 1 रुपया 10 पैसे खर्च की जाए, या 1 रुपये 20 पैसे खर्च किया जाए, जो ऑप्शन के हिसाब से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हमारे लिए ऐसा ज़्यादा अच्छा है कि अगर 1 रुपया कमाने के लिए रेलवे अगर 85 पैसा खर्च करती है तो ये सबसे अच्छा ऑपरेटिंग रेशियो माना जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर 110 आ गया है। EBR, EBR स्टैंड फॉर, एक्चुअली क्या है कि ये भी फाइनेंशियल रूल का एक हिस्सा है, और जब आप फाइनेंशियल रूल में जाते हैं तो वहाँ पे एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्स के नाम से इसको शामिल किया जाता है, ठीक है? लेकिन अब यहाँ पे देखेंगे तो बजटरी रिसोर्स एक ही में, ऑप्शन सी में, और वहाँ पे वर्ड इस्तेमाल किया गया एक्सटर्नल, ठीक है? 110 के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है? यहाँ पे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एक्स्ट्रा और एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज जो EBR कहता है उसके अंदर इंक्लूड होता है, जब जैसे कि मार्केट से कुछ लोन लिए जाते हैं, बोरोइंग किए जाते हैं, या फिर बैंक से, या इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसेस जो होते हैं, या एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट्स किए जाते हैं। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी होगा,
ठीक है। इसके अलावा हमने देखा डीएफ डेवलपमेंट फंड है, एक और होता है डीआरएफ जो होता है डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड, ठीक है, ये कभी कभी पूछते हैं, ये भी होता है। एक होता है पीएफ पेंशन फंड होता है, और सीएफ भी होता है जिसे कैपिटल फंड भी कहते हैं। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी जैसी हैं, ठीक है। तो हमने इस पार्ट को कंप्लीट किया, थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के काम आ सकता है तो उनके साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह सपोर्ट बनाए रखिए, टच में रहिए, व्हाट्सअप करते रहिए, कमेंट करते रहिए, जहाँ ज़्यादा ज़रूरत होगी वहाँ पे मैं आपके साथ खड़ा हूँ। तो थैंक यू सो मच, और इसी तरह अपने ज्ञान का वर्धन करते रहिए, वृद्धि करते रहिए, एनहांस करते रहिए, नॉलेज एनहांस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।